ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पीडीएफ अध्याय के अंतर्गत आज हम सीखेंगे पीडीएफ फाइल को ऑनलाइन एडिट करना। अब तक हम सीख चुके हैं कि किसी भी फाइल को पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट करना, या तो ऑनलाइन या फिर पीडीएफ कन्वर्टर को डाउनलोड करके उसकी मदद से उसको कन्वर्ट करना। अब हम सीखते हैं किसी भी पीडीएफ फाइल में एडिट कैसे करना, या कोई भी अगर पीडीएफ की फाइल हो तो उसमें जो भी कंटेंट है उसको किस तरह से एडिट करना, वो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमको कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र लेना होगा। ये हमने गूगल क्रोम खोल लिया। अब यहाँ पर हम टाइप कर देंगे पीडीएफ एडिटर। ये पीडीएफ एडिटर ऑनलाइन हमने ले लिया। अब इसमें ये जो पीडीएफ एस्केप है, फ्री पीडीएफ एडिटर, ये अच्छा है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ दिखेगा एडिट योर पीडीएफ नाउ। इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आपको नया पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाना हो तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। अगर आपको पीडीएफ एस्केप में कोई भी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है तो उसके लिए ऑप्शन है। इंटरनेट से अगर पीडीएफ कोई फाइल अपलोड करनी है तो उसके लिए भी है। तो यहाँ पर चूंकि हमको हमारे पास जो पीडीएफ फाइल है जिसमें एडिटिंग करनी है वो हमको अपलोड करनी है, तो हम ये वाला ऑप्शन चुनेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। अब जिस फाइल में हमको एडिटिंग करनी है वो हमको चूज़ करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे चूज़ फाइल में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके सिस्टम में जहाँ पर भी वो फाइल हो वहाँ से आप उस फाइल को ले सकते हैं। हमारी जो फाइल है जो हमको अपलोड करना है वो माई डॉक्यूमेंट्स में है, तो यहाँ से हम उस फाइल को चुन लेंगे। ये यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट अपडेटेड ये वाली फाइल है जो हमको एडिट करनी है, तो हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर अब हम अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अभी देखिए पीडीएफ फाइल जो है वो लोड हो रही है। अभी देखिए यहाँ पर वो जो फाइल है ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसको आप दाएं बाएं ऊपर नीचे करके पूरा देख सकते हैं इस तरह से। और अगर जो फाइल यहाँ पर खुली है वो आपको ठीक से दिख नहीं पा रही है, उसके जो उसका फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा है, तो ये यहाँ से आप उसको जूम भी कर सकते हैं। 50% तक जूम करना है, 100% तक करना है, 200% तक करना है, वो आप उस पर जा कर के जूम कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हमको 200% जूम करके देखना है, तो ये देखिए ये हमने इसको कर दिया, इस तरह से देख सकते हैं। और अगर आपको इसको विड्थ के हिसाब से फिट करना है तो फिट पर क्लिक कर दें, तो ये देखिए इस पूरी विंडो में फिट हो गया है। पर अब इसमें कुछ भी नज़र आ नहीं रहा है, नॉर्मल करना है, तो वापस हम इसको 100% पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनका उपयोग करके आप इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है टेक्स्ट, इसकी मदद से इस फाइल में अगर कोई टेक्स्ट आपको ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो वो लिखने के लिए टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे और अब यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब इसको अगर हमको सेंटर में करना है तो हम यहाँ कर्सर रखकर स्पेस बार से उसको बीच में ले आएंगे। और अब ये जो हमने अभी टेक्स्ट लिखा है इसका अगर हमको फॉन्ट बदलना है, फॉन्ट साइज बदलना है, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर ये देखिए वो ऑप्शंस भी आ जाते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर हमको फॉन्ट चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमको चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, ये हमने ले लिया। अब इसका अगर हमको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो ये हम बढ़ा सकते हैं, ये मान लीजिए हमको करना 20, ये हमने 20 कर दिया। बोल्ड अगर करना हो तो बोल्ड भी आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से इटैलिक करना हो तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना हो तो इस ऑप्शन का यूज़ करके इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अभी अभी हमने इसका साइज़ बढ़ाया, इसको बोल्ड किया, तो ये थोड़ा सा वापस सेंटर से हट गया है,
तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसको फिर थोड़ा पीछे ले लेंगे बैकस्पेस से। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वाइट आउट। जो भी फाइल हमने खोली है उसमें पहले से जो मैटर लिखा हुआ है वो अगर हमको हटाना है तो वो हम इसकी मदद से हटा सकते हैं। मान लीजिए लेजर्स नेम, ये हमको हटाना है, तो ये हम वाइट आउट पे गए। अब हमको जो भी पार्ट इरेज करना है या हटाना है वहाँ क्लिक करके ड्रैग करें तो ये इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। अब इसको आप यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखें कि वो बॉक्स उतना ही हो कि जो आपको पार्ट हटाना है वो हटे। अगर ये बॉक्स बड़ा होकर नीचे आ गया तो नीचे का पार्ट भी हट जाएगा। और अब इस बॉक्स को हटाना है तो वापस वाइट आउट पर जाकर क्लिक कर दें। अब ये देखिए यहाँ से बॉक्स भी हट गया और लेजर्स नेम जो हम हटाना चाहते थे वो भी हट गया। और अगर आपको वो चाहिए, गलती से चीज़ हट गई और वो चाहिए, तो आप इसको वापस टेक्स्ट की मदद से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इस फाइल में कोई इमेज ऐड करनी हो तो या आप इमेज पे जाकर इमेज ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड करनी हो तो लिंक ऐड कर सकते हैं, अगर फ्री हैंड कुछ बनाना हो तो फ्री हैंड के लिए आप इसको चुन सकते हैं, और कुछ भी ड्रॉ करना हो फ्री हैंड तो वो ड्रॉ कर सकते हैं। और ऑप्शंस अगर आपको देखने हो तो मोर पे चले जाएं, सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। एरो अगर कहीं लगाना हो तो आप एरो लगा सकते हैं, लाइन खींचनी हो लाइन खींच सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, चेक मार्क अगर लगाना हो कहीं पर, राइट के निशान लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको ऑप्शंस यूज़ करके जो भी एडिटिंग करनी है वो कर लें। और उसके बाद फाइल को एडिट कर लेने के बाद ये यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलता है सेव एंड डाउनलोड पीडीएफ का, तो इससे आपकी जो फाइल है वो सेव भी हो जाएगी और डाउनलोड भी हो जाएगी। इस पर क्लिक कर दें, ये सेव हो रही है और अब ये देखिए यहाँ एरो का निशान नीचे गया है, डाउनलोड भी हो रही है। अब इस फाइल को रखना हो तो कीप पर क्लिक कर दें, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो आपका आ गया। अब हम इस विंडो को बंद कर देते हैं और अब हम माय डॉक्यूमेंट्स में जो डाउनलोडेड हमारी फाइल्स हैं उसमें जाकर, आपके सिस्टम में जहां पर भी डाउनलोड फोल्डर हो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। ये डाउनलोड में हमने जाकर देखा, चार्ट ऑफ अकाउंट ये यहाँ पर आ गया है, ये देखिए इसको खोल करके हम देख रहे हैं। ये देखिए हमने जो चेंजेस किए थे वो दोनों चेंजेस यहाँ पर आ गए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये ऊपर टाइटल आ गया है और लेजर्स नेम यहाँ से हमने हटाया था वो यहाँ से हटा हुआ है। पीडीएफ अध्याय के अंतर्गत आज हमने सीखा पीडीएफ फाइल को ऑनलाइन एडिट करना।